कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांगला चंबा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सहायक निर्वाचन अधिकारी फतेहपुर बलवान चंद के माध्यम से चुनाव आयोग को लिखित शिकायत पत्र भेजा है, जिसमें भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जिला कांगड़ा की विधानसभा फतेहपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव चेतन चंबियाल के नेतृत्व में सहायक निर्वाचन अधिकारी फतेहपुर बलवान चंद के माध्यम से चुनाव आयोग को लिखित शिकायत पत्र भेजकर भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लिखित शिकायत पत्र में फतेहपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि विधानसभा फतेहपुर के चुनावी दौरे के दौरान किशन कपूर ने फतेहपुर के एक निजी पैलेस में करीब 250 सरकारी कर्मचारियों के साथ बंद कमरे में बैठक की है, जो कि सरेआम आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के सरकारी तंत्र को इसकी खबर होने के बाद भी अनजान बने रहना चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। उन्होंने किशन कपूर के साथ साथ बैठक में हिस्सा लेने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। वर्तमान मंत्री भी हैं और भाजपा के प्रत्याशी भी हैं। उन्होंने कल फतेहपुर में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें तमाम सरकारी कर्मचारी, सरकारी अफसरान हर महकमे से बाई ऑर्डर बुलाकर और उनको डरा धमकाकर ये संबोधित किया गया कि अगर आप लोग भाजपा को वोट नहीं डालेंगे, जब भाजपा की बरकरी नहीं करेंगे, भाजपा का समर्थन नहीं करेंगे, भाजपा को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताना है, ये आपकी जिम्मेदारी, तो आप अपना ख्याल करना कि आप कहीं भी जा सकते हो, फतेहपुर में नहीं रह सकते। फतेहपुर के सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी और अफसरान हैं, इस इन महोदय से पहले से ही सहमे हुए हैं। यहाँ पर लोकसभा के जो हमारे इलेक्शन आए हैं, इसके लिए जो हमारे किशन कपूर जी और शांता कुमार जी कल यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद उन्होंने यहाँ के एक रिजॉर्ट में, जो कि फतेहपुर में है, उसमें इन्होंने सरकारी मुलाजिमों को बुलाया और उन दो कम से कम 200-250 मुलाजिम थे और उनके साथ इन्होंने गुप्त मीटिंग की है। उसमें ना कोई प्रेस वाला अंदर था, सिर्फ इनके पांच अपने जो कार्यकर्ता थे, जिनमें कि रीता धीमान जी, एमएलए इंदौरा, शांता कुमार जी, किशन कपूर जी, अर्जुन सिंह जी और कृपाल परमार जी, ये अंदर थे और इन्होंने गुप्त मीटिंग जो सरकारी मुलाजिमों के साथ की है, हम उसी के लिए ये ज्ञापन जो है। इस पर सहायक निर्वाचन अधिकारी फतेहपुर बलवान चंद ने बताया कि फतेहपुर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के आरोप लगाते हुए शिकायत पत्र सौंपा है, जिसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को भेज दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आगे की कार्रवाई उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार ही होगी, और जिसमें कि इन्होंने लिखा है कि आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है, तो जो भी शिकायत आई है उसकी हम इंक्वायरी करेंगे और जो भी होगा इसकी रिपोर्ट हम उच्च अधिकारियों को या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी सबको हम भेजेंगे, जो भी निर्णय होगा वो वहीं से होगा। सिटी चैनल के लिए फतेहपुर से रविंदर चौधरी की रिपोर्ट।